ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो सितंबर इनटेक की एडमिशंस बंद होने के कारण बहुत सारे बच्चे निराश हैं, पूछते हैं कि क्या स्पाउस वीजा भी पॉसिबल है या नहीं है, क्या हम जैन इनटेक से पहले जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो बिल्कुल जी, ऐसे स्टूडेंट जो सितंबर इनटेक की अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके थे, उनके लिए स्टिल ऑप्शन है कि वो स्पाउस के साथ अपने अक्टूबर और नवंबर इनटेक के लिए जा सकते हैं, अपने केस को उतने समय में पूरा कर सकते हैं। आज भी अगर आप केस देते हैं तो डेफिनेटली केस आराम से नवंबर इनटेक पकड़ सकता है। विद आईलेट्स, विदाउट आईलेट्स, दोनों तरह का ऑप्शन आपको नवंबर में मिलेगा। अपने प्रोफाइल्स को लेकर आपको एक बार टीम से मिलना होगा, डिस्कस करना होगा, और अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप नवंबर इनटेक भी विद फैमिली पकड़ सकते हैं। यूके जाने के लिए भी आप निश्चिंत बेफिक्र होकर ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे देने हैं सिर्फ वीजा लगने के ऊपर, क्योंकि ब्रॉडवे की सिंपल पॉलिसी है वीजा नहीं तो पैसा नहीं। और कनाडा के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई पैसा पहले नहीं देना है और ना ही कोई पैसा देना है वीजा लगने के बाद, सिर्फ अपने कॉलेज की फीस दें, एम्बेसी फीस दें और कनाडा का वीजा भी आप अपना हासिल कर सकते हैं। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और तुरंत ब्रॉडवे टीम को कॉन्टेक्ट कर लें अगर आप सेप्टेम्बर इनटेक मिस कर चुके हैं बट जनवरी में नहीं जाना चाहते। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।